तो फाइनली जिया टिकट बुक हो गया है और हम लोग निकलने वाले हैं। कहाँ पे? वही मथुरा वृंदावन। हाँ मथुरा वृंदावन हम लोग निकलने वाले हैं। बहुत दिन से हम इंतजार कर रहे थे। तो अभी निकल रहे हैं जी सैलून से बाहर, फाइनली जो है अपना हेयर कट और शेव करवा लिया है और अब सीधा चलते हैं घर। तो सलून से तो आ गए जी और क्रियांश का भोजन भी हो गया है। क्रियांश के भोजन के बाद बारी है क्रियांश के नहाने की, उससे पहले जो है हम लोग भी अपना भोजन कर लेते हैं। भोजन में हमारा होता है सुबह सुबह बनाना शेक, तो जल्दी से जाते हैं। नवरात्रि का पहला दिन है तो फिर नहा के ही कुछ वैसे खाएंगे, लेकिन बनाना शेक थोड़ा सा पी लेते हैं। यहाँ पे क्रियांश को देख सकते हैं, क्या कर रहे बेटा? गदा ले लिया, गदा। इसको फेंक देगा, यहाँ का सारा सामान नीचे फेंक देता है। यही इसका खेल है, यहाँ सामान रखिए, इसको फेंकेगा, उठा के फिर वहाँ रखिए, फिर वो फेंकेगा। बिजी तो रहता है। हाँ क्या कर रहा है? काम देख रहा है अच्छे से हो रहा है कि नहीं? हाँ अच्छे से हो रहा है ना? इसका रोते हुए वीडियो ले ले, ले रोते हुए वीडियो। तुम रोता नहीं? बहुत होता है ना, देखिए उल्टे ब्रश कर रहा है। उल्टे ब्रश करेगा तुम? ब्रश दे दो, मामा को दे दो। दे दो, दे दो ब्रश, दे दो, दे दो, दे दो। उल्टे ब्रश करेगा ये। जा कहाँ गया? चला गया। अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और पतिदेव यहाँ कर रहे हैं काम। मैं इंतजार कर रही हूँ इनका काम कब खत्म होगा, जो थोड़ा बहुत मैं वीडियो शूट कर पाऊंगी, है ना? बिल्कुल। और इनका काम खत्म ही नहीं हो रहा है, कब से बोल रहे जल्दी से करिए जल्दी से करिए, और ये उतना ही स्लो कर रहे हैं ताकि जो है टाइम खत्म हो जाए, क्रियांश उठ जाए, फिर मुझे वीडियो शूट ना करना पड़े। बहुत दिन से ये टाल रहे हैं, आज नहीं, लेकिन आज तो करके रहूंगी मैं। इन्होंने बोला इसको सटा दो, ये मेरे से हिल ही नहीं रहा था। हाँ तो अब लग गया। चलिए अभी भी थोड़ा सा धूप बचा हुआ है। No one else is home. I swear I drank a half. तो ये है हमारे घर के बगल वाला पार्क और यहाँ लगी है हमारी बाइक, तो अभी हम लोग चलेंगे टिकट लेने के लिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं जी पार्क के अंदर और देख रहे हैं कि यहाँ का जो है फीस थोड़ा सा कम भी कर दिया गया है। पहले शायद 20 रुपए का टिकट था और अब देख रहे हैं कि 10 रुपए का टिकट है। और पार्क में देख रहे हैं रिनोवेशन भी हुआ है, पूरा कलर सब अच्छे से हो गया है, तो अच्छा लग रहा है पार्क। और क्रियांश जब बड़ा होगा तब वो यहाँ पर आकर के घूमेगा। हमारे घर से जस्ट मतलब 5 मिनट लगता है। हमें अभी कुछ रील्स के लिए वीडियो शूट करनी थी, तो हमने सोचा जो छत पे जाएंगे मतलब वहाँ ज्यादा टेक लेना पड़ता है क्योंकि स्पेस कम है और हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो हम सोचे फटाक से जाते पार्क और वीडियो शूट करेंगे और आ जाएंगे, है ना? बिल्कुल, तो यही काम है, तो जल्दी से अब करते हैं वीडियो शूट। हमने लिया है मैगी, बहुत ज्यादा थक चुके थे, पतिदेव ने बोला चलो मैगी ही खिला देते तुमको। बिल्कुल, तो हम जो यहाँ अपने दोस्त के साथ आया करते हैं, रेगुलर आया करते हैं, जो भी पहले से ब्लॉग देखते आ रही होंगे उनको पता होगा यहाँ मेरा एक पॉइंट है कटिहार में जहाँ पर हम रेगुलर आया करते हैं। सोचिए आज जिया को भी यहाँ एक बार थोड़ा घुमा देते हैं। हमने बोला कि हमें नहीं जाना है क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है, लेकिन खाना था इनको खुद साथ, इसलिए हमको भी ले आए जबरदस्ती, है ना? वैसे है भी बहुत अच्छा। A few moments later. मैगी सब तो खाया हुआ हो गया जी और उसके बाद अब घर निकल रहे हैं, और घर निकलने से पहले जो है एक टेलर की दुकान पर रुके हुए हैं जी। आपको अपना कपड़ा लेना था, यहाँ को सूट दी थी सिलने के लिए। तो घर आ गए और जैसे ही घर आए देखे कि क्रियांश जो है अपने दादा के गोद में था और दादा के गोद से आ गया पापा के गोद में और पापा के गोद से चला गया मम्मा के गोद में। क्या इसका कुछ ध्यान है यहाँ पर ग्लास और ये माउस पर, माउस पर बहुत ध्यान रहता है इसका, वही माउस के पास जाएगा। तो यहाँ पे पतिदेव का क्रिकेट चल रहा है और यहाँ पे पतिदेव जो है पानी पी रहे हैं, जो कि इनके हाथ में दिया जाए तो ये पानी पियेंगे, नहीं तो नहीं पियेंगे। दिन भर में इनको जितना ग्लास पानी हाथ में देते हैं उतना ही पीते हैं। और इधर मेरा बेटा चिल्लाया जा रहा है, क्रियांश क्या खा रहे हैं आप? भुट्टा खा रहे हो? अभी छूने से डर रहा था, है ना?
बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं भी खा रही हूँ, खा करके दिखाई कई बार, तब चल करके हाथ में लिया। हमारे भैया बगल के भैया है, उन्होंने दिया है भुट्टा, तो हम पका के खा रहे हैं और यहाँ पे क्रियांश भी खा रहा है। खाओ। तो आज चल रहा है जी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच, और आज जो है फाइनल मुकाबला है, तो इस वजह से जो है आज हम जो है व्लॉग एडिट नहीं कर पाए, क्योंकि मैच देख रहे थे और जब एडिट कर रहे थे तो दिमाग में मैच ही चल रहा था, मैच की तरफ ध्यान, तो सोचा कि चलो आज एक दिन जो है छोड़ देते हैं, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। तो सोचा कि आज मैच का आनंद लेते हैं, और मैच भी ज़बरदस्त है, मज़ेदार मैच है। क्रियांश खाना खा रहा है, एक बार दादी से एक बार बाबा से। ए क्रियांश, लेट नहीं होना चाहिए। हंस रहे हैं तो पीछे घूम के देखता भी है। The next day. चलो चले, हो गया जैसे, चलिए चलिए, हो गया जैसे, चलिए ना, चलिए हो गया बेटा, चलिए। कैमरा देख लिया, चला मंत्र जाप कर रहा। तो फाइनली जी टिकट बुक हो गया है और हम लोग निकलने वाले हैं। वाह, मथुरा वृंदावन हम लोग निकलने वाले हैं। बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, कब जाए कब जाए। वैसे तो मेरा मन था होली पे जाने का, लेकिन किसी वजह से हम लोग नहीं जा पाए, और फिर उसके बाद सोचे कि हम लोग जाएंगे। तो 24 का टिकट था ना हम लोग, कितना हो गया, तेईस, कल हम लोग निकलने वाले थे लेकिन नहीं जा पाए, उसमें भी कोई रीजन आ गया। रीजन, उसका रीजन ये था कि हमारा यहाँ पे काम, बिल्कुल काम चल रहा था, तो हम लोग सोच रहे थे कि एक बार काम हमारे आँख के सामने फिनिश हो जाए फिर हम लोग जाएंगे। तो जी बात ये थी कि हम लोगों को जो है मथुरा वृंदावन जाना ही था, भगवान से हमने जो भी मांगा तो भगवान ने हमारी मन्नत को पूरा किया, तो भगवान को जो है एक बार जा करके जो है धन्यवाद कहना तो बनता ही है। वैसे घर में रह करके हम लोग दिन रात पूजा करते हैं, हमेशा धन्यवाद करते ही रहते हैं, लेकिन सोचे कि एक बार वहां पर चले जाए, और वहां पर जाने के बाद जो है एक नहीं कहते हैं अलग सा वाइब भी रहता है वहाँ का, माहौल ही कुछ ऐसा रहता है, बिल्कुल माहौल, तो वहाँ जाना अच्छा लगता है, खुश हो जाता है बिल्कुल। और पिछली बार जब हम लोग गए थे तो सोचे थे कि हम लोग अगली बार जब भी आएंगे तो थोड़ा टाइम लेकर के आएंगे, पिछली बार हम लोग जो है रुके थे दो दिन, लेकिन दो दिन में हमारा मन नहीं भरा, इस बार सोचे हैं कि थोड़ा अच्छा खासा समय रहेंगे और फिर उसके बाद आएंगे। तो अप्रैल में हम लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से जाएंगे मथुरा वृंदावन, और मथुरा वृंदावन से फिर जो है हम लोग आ जाएंगे वापस दिल्ली, और वहाँ हमारे भांजे का है जन्मदिन, तो उसको भी अटेंड करना है, बिल्कुल। तो गति का जन्मदिन भी है, और सोच रहे हैं इस बार की मीटअप भी रखा जाए कि सभी लोगों से मुलाकात करें, स्पेशली दिल्ली में बहुत सारे लोग हमारे जो हमें चाहने वाले हैं, बहुत सारे हैं, उनका बहुत सारा मैसेज आता है, कमेंट आता है कि दीदी दिल्ली आते हो, हम लोगों से मिलते हो, नहीं चले जाते हो, तो इस बार कोशिश करेंगे कि समय निकाल करके आप लोगों से मिले। तो अब ऐसा करते हैं जी, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।